नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए बहुत ही शोक और व्याकुल कर देने वाला दिन है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड फिल्मी जगत की उठा पटक वाली खबरों के बीच दिल को झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध कलाकार गीता उनियाल जी अब हमारे बीच नहीं है। कैंसर से पीड़ित 4 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार वो ये जंग हार गई। हमेशा से चेहरे पर मुस्कान रखने वाली है कलाकार अपनी अदाकारी से सबकी आंखों को नम करके आखिरकार अलविदा कहती बनी। मुझको आज भी वो दिन याद है जब खैरी का दिन फिल्म में भाभी की भूमिका में गीता की मौत हो गई थी। हम खुद सिनेमा हॉल में थे जहां बैठे सभी दर्शक फूट फूट कर रो रहे थे। गीता जी के दर्शकों के बीच आते ही महिलाएं उनसे बुरी तरह लिपट कर रोने लगी। यही नहीं, इससे पहले ना कर मेरी जगवाल गाने को देखकर भी दर्शक पूरी तरह से रोए थे। कुछ इसी तरह की अदाकारी से दर्शकों को रुला देने वाली गीता आज वाकई में हम सबको छोड़कर चली गई है। असल जिंदगी में ऐसा होना, उनका चला जाना उत्तराखंड के सिनेमा जगत के लिए गहरा आघात है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। मंगलवार रात गीता उनियाल जी की मौत की खबर पर मुझको विश्वास नहीं हुआ। ये सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि गीता उनियाल जी उत्तराखंड की नौनी के साथ बेहद करीब थी। क्योंकि उनका लाइफ में जब आपके बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, तो सारा मतलब एक तहस नहस ही समझो लाइफ का। तो उसके बाद 2020 में एंड में मुझे पता चला था, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी और मेरा जो दोनों ट्रीटमेंट है वो मेरे साथ में ही चले थे। कैंसर का ट्रीटमेंट था मेरा, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस और ऑपरेशन भी हुआ मेरा, और उस दौरान मेरी डिलीवरी भी हुई। मतलब बहुत सारे कष्ट हैं, मतलब मैं इनको खैर मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसने झेला होता है उसे ही पता है कि ये लाइफ में इतना कुछ मैंने झेला है। उनका व्यवहार उनकी पूंजी था। इस मुकाम पर आकर भी वे एकदम सरल स्वभाव की महिला थी। उनके पति भी एक बेहतर कलाकार, विकास उनियाल जी एक बेहतर कलाकार और बेहतर DOP हैं। मैंने गीता जी के साथ गढ़वाली मोहल्ला सीरियल में काम किया था। आए हाय, ऐसे ही नहीं रहते हम गढ़वाली मोहल्ले में। 30 लाख की जमीन खरीदी, 20 लाख का मकान बनाया, तब जाके रह रही हूँ मैं गढ़वाली मोहल्ले में। हम तो चलते हैं भाई। नेगी जिन यू को तो गीत लिखी, पाड़ी पाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाली छाऊं। यही वो समय था जब मैंने उनको करीब से जाना। गीता जी और मेरी उस सीरियल में भले ही सबको तकरार देखने को मिली हो, लेकिन पर्दे के पीछे हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती होती चली गई। और फिर मैंने उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उत्तराखंड की नौनी को दिए गए इंटरव्यू में जब बताया वो एक कैंसर पेशेंट है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। खैर, इंटरव्यू के बाद मैं उनकी हिम्मत की दाद देना नहीं भूली। गीता उनियाल जी के फिल्मी जगत में किए गए काम के बारे में बात करें तो वे उत्तराखंड की बेहद उम्दा कलाकार थी, जिन्होंने अपना फिल्मी जगत की शुरुआत वर्ष 2004 से की थी और अभी तक लगभग 400 से अधिक गीतों में और 15 फिल्मों में काम कर चुकी थी।
अभी हाल ही में आई उनकी फिल्म माँ धारी देवी और मेरू गांव में की गई उनकी जो अदाकारी थी उसने सबका दिल जीत लिया था। गीता उनियाल जी का इस तरह से चले जाना उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए एक बड़ा झटका है। जाते जाते वो अपने पीछे 3 साल की बेटी और 10 साल का बेटा छोड़ गई है। उत्तराखंड की नौनी भगवान से प्रार्थना करती है कि गीता उनियाल जी की आत्मा को श्री हरि के चरणों में स्थान मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान हो। ओम शांति।